हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले सेशन में काफ़ी अच्छा रिस्पांस था आप लोग का, तो आज मैं ज्योमेट्री की दूसरी वीडियो लेके आ गया हूँ। तो अब ये ज्योमेट्री की वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाए जा रहे हैं कि वो क्या है ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आज हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, कि ट्राइंगल की सिमिलैरिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिमिलर कोई चीज़ सिमिलर तब होती है जब उसका शेप बराबर हो, साइज बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, कि कब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था दो फिगर तब सिमिलर होंगे जब उनके एंगल्स और उनके साइड का रेशियो बराबर होगा। आज हम फिगर की जगह क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल त्रिभुज के अंदर जो समरूपता होती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू मे रिकॉल दैट ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्राइंगल एक पॉलीगन है कि नहीं। हाँ, ट्राइंगल एक पॉलीगन है, ठीक है। दो ट्राइंगल को सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनके एंगल्स बराबर हो। ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फिगर्स के बारे में। अब इस बार ट्राइंगल्स के बारे में मैंने आपसे कहा था ना, फिगर्स कोई भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। तो दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो उनको इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कहते हैं। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल मतलब जिनके कोण बराबर है, जिनके एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है। चलो, तो एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे ग्रीक के, थेल्स। एक्चुअली मैथ्स में जो भी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं वो ग्रीस से ही मोस्टली आए हैं, ठीक है। तो थेल्स वहाँ के थे। मैथमेटिक्स की शुरुआत इंडिया में भी हुई थी और ग्रीस में भी हुई थी, तो दोनों जगह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स में। लेकिन हमारे इंडिया में क्या दिक्कत है ना, हम लोग कहते नहीं सब हम ही ने किया है, बाकी लोग तो बैठ के घास छील रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं यार, दुनिया में सबके पास दिमाग होता है। बाहर के लोगों के पास भी दिमाग था, हमारे लोग के पास भी दिमाग था। वो किसी और चीज़ में रिसर्च कर रहे थे, हम लोग किसी और चीज़ में रिसर्च कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर लेस, दे हैव लेस आईक्यू देन अस, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ज्योग्राफी इज नॉट डिफरेंट, लेकिन चलो ये सब डिस्कशन नहीं है, इसकी एक कभी सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। मैं सोच रहा था मेरे जो दिमाग में थॉट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या कैसे सोचना चाहिए चीज़ों को, क्या लॉजिकल थिंकिंग हो सकती है। चलिए, तो ग्रीक मैथमेटिशियन जो थेल्स थे उन्होंने कुछ डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हैं वो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। मतलब अगर मान लो किसी भी दो ट्राइंगल के एंगल्स बराबर हैं तो उनकी साइड का रेशियो बराबर होगा, ये पक्की बात है। तो अगर आपको ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आपको ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और आपने कहा कि उनके एंगल्स बराबर हैं तो वो ऑलरेडी सिमिलर हो चुका है, मतलब साइड का रेशियो इक्वल हो गया। मैं फिर से अपनी बात बताता हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसके एंगल्स बराबर हो। तो थेल्स ने ये बात बोली कि अगर एंगल बराबर हैं तो साइड का रेशियो भी बराबर होगा, किस केस में, ट्राइंगल के केस में, ठीक है। तो अगर दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के केस में अच्छी बात ये होती है कि अगर उनके एंगल बराबर है तो वो सिमिलर हो चुके हैं, मतलब साइड का रेशियो भी बराबर होगा ही होगा और कोई कंडीशन नहीं होगी। लेकिन बाकी केसेस में ऐसा नहीं, क्वाड्रिलेटरल के केसेस में ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स ने एक थ्योरम दी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब बीपीटी, ठीक है। तो थेल्स की थ्योरम हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या होती है। तो क्या थी थेल्स की थ्योरम, पढ़ते हैं। ये है थेल्स की थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो मैं हमेशा थ्योरम पढ़ता हूँ, उसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, क्योंकि वो जरूरी है, वहीं सारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, देखो आप सबको डायग्राम में ट्राइंगल एबीसी दिख रहा होगा, सारे के सारे स्टूडेंट को ट्राइंगल एबीसी दिख रहा होगा। इसमें देखो डी और ई है, अगर मैं डी बी सी के पैरेलल खींचू, मेरी बात समझना, ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें डी ई
बीसी के पैरेलल है, तो अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो थेल्स की थ्योरम ये कहती है कि एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। तो आपको मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बता देता हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर आप डीई बनाएंगे और डीई बीसी के पैरेलल बनाएंगे तो एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, प्रूविंग करना जरूरी है। अगर आप प्रूफ करके देखोगे तो बेटर रहेगा, और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, तो अगर किसी ट्राइंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो बराबर होगा AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC के। देखो यहाँ पर ये चीज, ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत सिंपल है, एक परपेंडिकुलर यहां से डाल दो, एक परपेंडिकुलर यहां से डाल दो। ठीक है, तो ट्राइंगल ADE का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। देखो, E से परपेंडिकुलर डाला EN, D से परपेंडिकुलर डाला DM। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ADE ट्राइंगल जहां मैं बोलूंगा सिर्फ वहीं देखना, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। ट्राइंगल ADE को देखो, तो ADE का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। फिर अगर इधर से देखोगे तो भी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखो ये हाफ AD इंटू EN, ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। फिर अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात करें, ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE, ठीक है, और तुम्हारा ट्राइंगल इस ट्राइंगल, देखो अगर तुम्हारे ADE के बारे में बात करें, यहां तक तो तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ADE का एरिया क्या हो गया? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर जो तुम्हारा ADE का एरिया तुमने निकाला है हाफ AD इनटू EN, और BDE का एरिया क्या होगा? हाफ DB इनटू EN। देखो ये जो DBE बन रहा है ना ट्राइंगल DBE, इसका एरिया क्या होगा? हाफ BD इनटू EN, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। मैं फिर से बताता हूँ, ये ट्राइंगल ADE है, इसका एरिया होगा हाफ AD इनटू EN, और ये जो तुम्हारा ट्राइंगल BDE है, BDE ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, तो हाफ BD, सॉरी हाफ BD इनटू EN। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर मैं ADE और BDE के एरिया का रेशियो ले लूं, ADE और BDE के एरिया का रेशियो लूं, तो देखो यहाँ पर होगा क्या, आपका जो एक और चीज इसमें करनी है, ADE का एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो ADE है इसका तरीका, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ AE इंटू DM। ये जो ADE है इसका एरिया निकलेगा हाफ AE इंटू DM, ठीक है, और ये जो ट्राइंगल DEC है इसका एरिया होगा हाफ DM इंटू EC। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो बातें कही गई हैं, तो अगर मैं ADE और BDE के एरिया का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा? AD अपॉन DB। क्योंकि देखो अगर मैं ADE और BDE के एरिया का रेशियो निकालूंगा तो EN से EN कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो AD अपॉन DB। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं ADE और ADE और DEC का, ये वाला ADE और DEC के एरिया का रेशियो निकालूंगा तो DM से DM कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो AE अपॉन EC। ठीक है, तो अब यहां पर एक बहुत सिंपल चीज है, उसको ध्यान देखना। BDE और DEC का एरिया बराबर होगा, देखो एक चीज याद रखना, BDE और DEC का एरिया बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर सेम बेस है और सेम पैरेलल है तो एरिया बराबर होता है। याद रखना, अगर सेम बेस है और सेम पैरेलल है तो एरिया बराबर होगा। BDE का एरिया बराबर होगा DEC के। ठीक है, लॉजिक क्या है? क्योंकि सेम बेस है और सेम पैरेलल है। ठीक है, तो BDE और DEC का एरिया बराबर है, तो यहाँ BDE और तुम्हारा DEC का एरिया क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर BDE और DEC का एरिया बराबर है तो मतलब LHS बराबर है, और अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। प्रूविंग करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को प्रूविंग करके दिखा दिया। ठीक है, तो क्योंकि LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा, तो थेल्स की थ्योरम प्रूफ होगी। हालांकि हमें एग्जाम में थेल्स की थ्योरम पता होनी चाहिए। थेल्स की थ्योरम ये कहती है कि अगर DE पैरेलल है BC के तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, थ्योरम का प्रूविंग मैंने समझा दिया। सबसे पहले देखो कुछ नहीं करना है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ AD इंटू EN, फिर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ AE इंटू DM, फिर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला BD का हाफ BD इंटू EN, फिर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ EC इंटू DM, और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि BDE का एरिया और DEC का एरिया बराबर होगा,
तो वहां से हम लोगों ने एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करके प्रूव कर दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। थेल्स की थ्योरम आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बड़े से बड़े उसमें भी, लेकिन हम लोग ट्राइंगल में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे भी बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो थेल्स की थ्योरम से डिराइव होती हैं। अगली थ्योरम ये कहती है, अब ये थेल्स की थ्योरम का उल्टा है, थेल्स की थ्योरम का उल्टा है। थेल्स की थ्योरम का उल्टा क्या है? मतलब कि अगर अगर कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो पैरेलल होगी। देखो थेल्स की थ्योरम ये कहती है कि अगर DE पैरेलल है BC के तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, ये कहती है। लेकिन ये उल्टा है, अगर AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो बराबर है, तो अगर AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी आपस में। बात समझ में? तो अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? उल्टा समझ में आके रिवर्स। थेल्स की थ्योरम कहती है कि AD अपॉन DB बराबर अगर AE अपॉन EC है तो DE पैरेलल होगा BC के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी लाइन मान लेंगे। इमेजिनरी लाइन मतलब जो D से निकलेगी और E डैश पे काटेंगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि DE पैरेलल नहीं है BC के, DE पैरेलल BC के नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, डी हम ये मान लेते हैं कि डी डैश बी सी के पैरेलल है, हमने बनाया है खुद से। देखो हम लोग इसको निगेशन से प्रूफ करेंगे। कैसे? डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो हम लोग एक इमेजिनरी लाइन मान लेंगे जो कि पैरेलल है। तो थेल्स की थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी बराबर होना चाहिए ए डैश अपॉन ई डैश सी के। ये देखो ए डी, ए डी अपॉन डी बी बराबर होना चाहिए AE डैश अपॉन ई डैश सी के लिए। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC के है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और थेल्स की थ्योरम ये कहती है क्योंकि DE डैश पैरेलल है BC के तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE डैश अपॉन ई डैश सी के। तो इसका मतलब AE upon EC LHS is equal to RHS। ठीक है, तो AE upon EC बराबर हो जाएगा AE dash upon E dash C के। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए E और E dash को coincide करना पड़ेगा। अगर AE upon EC, देखो दोनों का numerator सेम है, दोनों का numerator सेम है लेकिन denominator अलग अलग है, तो ऐसा हो नहीं सकता। obvious सी बात है कि AE dash की value AE से कम है तो ये दोनों ratio आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये E और E डैश एक ही पॉइंट है, तो हम लोग इसको निगेशन से प्रूव करते हैं। तो मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं मेथड ऑफ निगेशन। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन, जिसमें हम लोग अपनी ही बात को काटते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले माना कि ये पैरेलल नहीं है, तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई और पैरेलल होगी, और अगर कोई और पैरेलल होगी तो फिर उसका रेशियो बराबर आना चाहिए जो कि आएगा नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो थेल्स की थ्योरम पढ़ा दी और थेल्स की थ्योरम का कन्वर्जन भी पढ़ा दिया। नेक्स्ट, चलो अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल होते हैं इसमें। सॉरी, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई इज पैरेलल टू बी सी प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। बहुत सिंपल सा है कि अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के तो ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई। देखो ये ए डी अपॉन ए बी, ठीक है, तो ए ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, आप लोग पहले खुद से भी प्रूफ कर सकते हो। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी के। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्योंकि कैसे होगा? थ्योरम से देखो, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। और अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो DB अपॉन AD बराबर हो जाएगा EC अपॉन AE के। फिर हम दोनों तरफ प्लस वन कर देंगे, तो अगर हम लोग प्लस वन करेंगे तो AD प्लस DB क्या हो जाएगा? AB, और AE प्लस EC क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, तो फिर यहां से बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, रिवर्स कर देना AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है,
तो ये थेल्स थ्योरम का ही एक तरह से क्रोलरी है, ठीक है, क्योंकि डी पैरेलल है बीसी के, तो एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, दोनों तरफ प्लस वन कर देंगे रिवर्स करने के बाद, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला जो थ्योरम है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।